हेलो मैडम, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे जो रिमेनिंग हमारे एग्जांपल्स रह गए थे। इन प्रीवियस लेक्चर हमने फाइबर्स का इंट्रोडक्शन देखा था और उसके कुछ बेसिक क्लासिफिकेशंस देखे थे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ हमारे नेचुरल सोर्स से मिलने वाले फाइबर्स के एग्जाम्पल, जैसे की फर्स्ट कैटेगरी है हमारे प्लांट फाइबर्स जो की प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं। सो फर्स्टली हमारे जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो सेलुलोजिक होते हैं, यानी सेलुलोज से बने हुए फाइबर्स होते हैं। और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि कॉटन सीड से हमें फाइबर मिलता है। सेकेंड है जूट स्टेम, जूट का स्टेम होता है उससे हमें जूट फाइबर मिलता है। हैम फाइबर हमें किससे मिलता है? स्टेम ऑफ द कैनाबिस, कैनाबिस का जो स्टेम होता है उससे हमें मिलता है हैम फाइबर। क्या है ये? हम गवर्नमेंट के अंडर में इसे कल्टिवेट करते हैं और कलेक्ट करते हैं, क्योंकि कैनाबिस हमारा एक क्या है, नार्कोटिक प्लांट है। ओके, उसके बाद है लोफर। लोफर फाइबर हमें एक फ्रूट से मिलता है जो कि हम कह सकते हैं वेजिटेबल है, हम जनरली जिसे हिंदी में बोलते हैं तोरी। ये हमारे इनसे भी हमें क्या मिलता है? लोफर फाइबर मिलता है। बनाना स्टेम से भी हमें फाइबर्स मिलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है बम्बू ग्रास। आपने बम्बू ग्रास भी देखा होगा, ये बम्बू से मिलने वाला फाइबर्स भी यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। उसके बाद में हमारा कोकोनट हेयर से हमें क्या मिलता है? कोयर फाइबर्स मिलते हैं। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे एनिमल फाइबर्स होते हैं जो कि